हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो है अभी बज रहे हैं यहाँ पर शाम के 5, तो आप देख सकते हैं टिक्कू हमारा कर रहा है मस्ती। और साथ में ये जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने मकान बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जल्दी ज़्यादा जल्दी जो है छाएं आ जाती है। और यहाँ पर दोनों खेल रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा सा इनका यहाँ पर वीडियो शूट कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए दोनों की कितनी मस्ती चल रही है। और यहाँ पर ये है जीने का गेट, तो यहाँ पर इस गेट को है हम लोग अभी बंद करके ही रखते हैं, क्योंकि टिक्कू जो है काफ़ी मस्ती करता है और बार बार जो है यहाँ से वहाँ जाता है, इसीलिए हम इस गेट को बंद कर देते हैं जिससे कि वो सीढ़ियों पर ना जाए। और यहाँ पर पहले आया था तब वो ग्रिल पे नहीं चढ़ पाता था, लेकिन अब जो है ग्रिल पर चढ़ जाता है और नीचे देखता है तो उसे काफ़ी मज़ा आता है। और यही सेम हमारा निक्कू करता था, तो दोनों भाइयों को जो है यहाँ पर ग्रिल पर खड़े होकर नीचे देखने में काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी मस्ती करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नानी के यहाँ पर ये जो आप नीचे देख रहे हैं टाइल्स लगी हुई हैं, तो दोनों ने मस्ती कर करके टाइल्स से निकाल दी हैं। और यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर मिट्टी में खेलने में दोनों को काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी मस्ती करते हैं। और यहाँ पर अब मैं काट रही हूँ यहाँ पर नेल्स, तो टिक्कू और निक्कू के नेल्स काफ़ी बड़े हो गए थे तो उन्हीं के नेल्स यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि टिक्कू तो हमारा काफ़ी प्यार से जो अपने नेल्स कट करवा लेता है, पर उतना ही परेशान हमारा निक्कू करता है, नेल्स कटवाने में काफ़ी रोता है और काफ़ी जो है मुश्किल से अपने नेल्स कट करने देता है। अभी बज चुके हैं शाम के 6:30, तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं इवनिंग की चाय। तो एक गैस पर मैं इवनिंग की चाय बनने के लिए रख दूंगी और दूसरी गैस पर मैं सेक लूंगी रोटी। यहाँ पर जो है गर्मी आ चुकी है तो दिन गर्मियों के दिन काफ़ी बड़े हो जाते हैं और साथ में ही पापा ऑफिस से आते हैं तो उन्हें भूख लगती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है चाय के साथ ही उनके लिए यहाँ पर गर्म गर्म रोटियाँ सेक देती हूँ। और पापा जो है 6:30 बजे तक ऑफिस से आ जाते हैं और सब्जी जो है मम्मी ने मॉर्निंग में बना के रखी हुई थी तो वो उसी से जो है रोटियाँ खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है मेरी रोटियाँ सिक रही हैं, यहाँ पर सिर्फ जो है पापा के लिए ही कुछ रोटियाँ सेकूंगी, बाकी सबके लिए जो है मैं शाम को खाना बनाऊंगी। यहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनके छोटे भाई का बर्थडे 2 मई को है, तो उसका नाम सहनवाज है। तो विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा, गॉड ब्लेस यू। और साथ में ही यहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर है साक्षी खुराना, और एक और सब्सक्राइबर है काजोल राठौर जी। तो इन लोगों के जो है मुझे नाम लेने थे। और साथ में ही यहाँ पर जो है मैं चाय लेकर आ चुकी हूँ, तो मम्मी जो है सोफे पर बैठ कर चाय पी रही हैं और मैं और भाई पलंग पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग वहीं पर चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे थे। साथ में टिक्कू जो है कार्टून देख रहा है अपना और निक्कू भी जो है सोफे पर ही बैठा हुआ है। और साथ में ही यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो है मुझे काफ़ी गुस्सा आने लगा है, क्योंकि 3 बार जो है हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है पर 3ों बार है अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और साथ में ही आप लोगों को पता है कि 3 मई के बाद जो है लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है, तो इस बार जो है कुछ रियायतें मिली हैं तो यही सोचा था कि शायद इस बार जो है हमें ई पास मिल जाए, पर अभी भी जो है कुछ कंफर्म नहीं है, हमने अभी भी अप्लाई किया हुआ है। और साथ में ही यहाँ पर ये हैं आम, तो सीज़न आ चुका है और निक्कू को काफ़ी आम पसंद है तो उसी के लिए यहाँ पर जो है कट करके मैं दे रही हूँ आम। यहाँ पर जो है हमारा निक्कू बैठकर खा रहा है आम, तो उसे आम बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और
पर जो है आज मैं डिनर के लिए बना रही हूँ अंडे की सब्जी। तो मम्मी तो जो है अंडे नहीं खाती हैं, तो यहाँ पर मैं और भाई के लिए ही सिर्फ अंडे की सब्जी बनाएंगे। और बहुत टाइम के बाद जो है हमारे यहाँ एग की सब्जी बन रही है। तो बहुत टाइम के बाद मार्केट में जो है एग आए हैं, तो वही लेकर आए थे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडा कढ़ी। तो यहाँ पर अंडे को जो है मैंने बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद जो उसे छील कर यहाँ पर दोनों तरफ से कर लूँगी फ्राई। साथ में ही यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरा हमेशा जो है मायके वालों से इसी बात को लेकर झगड़ा होता है, क्योंकि मायके में मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे भाई के बाद जो है निकू ही हमारे घर में सबसे पहला बच्चा आया था। तो उससे सभी लोग काफ़ी प्यार करते हैं। और अब जो है टिक्कू के आने के बाद ऐसा नहीं है, क्योंकि टिक्कू आ चुका है तो टिक्कू छोटा है, तो सभी लोग जो है उससे भी काफ़ी प्यार करते हैं। तो निक्कू को जो है कभी कभी काफ़ी बुरा लग जाता है और वो उदास हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं यही बोलती हूँ कि आप जो है दोनों से बराबर ही प्यार रखें, पर जो है अभी टिक्कू छोटा है तो उससे जो है सभी को काफ़ी प्यार आता है उसके ऊपर, पर निक्कू जो है इस चीज़ को नहीं समझता है, तो वो कभी कभी काफ़ी उदास हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जो है मेरा हमेशा मायके में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला मेरा जो है अच्छे से भुन चुका है। और मसाला भुनने के बाद जो है इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 गिलास पानी। तो एग की सब्जी मुझे तो बहुत पसंद है और काफ़ी टाइम हो गया था, इसीलिए जो है मेरी काफ़ी इच्छा हो रही थी। तो यहाँ पर इसमें जो है पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं अंडों में ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, और साथ में ही ऐड कर दिए मैंने सारे अंडे। और इसके बाद यहाँ पर मैं गूंद लूँगी आटा, यहाँ पर मैं गूंद लूँगी आटा, और साथ में ही अंडे की सब्जी मेरी बन रही है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता दूँ, मम्मी मेरी अंडे की सब्जी नहीं खाती हैं, तो यहाँ पर उनने अपने लिए अलग सब्जी बना ली है। तो उन्होंने अपने लिए बनाए हुए हैं यहाँ पर टिंडे की सब्जी। और आटा मैंने गूंद लिया है, और इसके बाद यहाँ पर मेरी अंडे की सब्जी भी बन चुकी है। तो इसमें ऐड कर दूंगी मैं हरा धनिया, और सब्जी को है जो मैं दूसरी गैस पर रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं सेक लूँगी सभी के लिए रोटियाँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप निक्कू की जो हमारी फुल टाइम यहाँ पर मस्ती चलती ही रहती है। तो यहाँ पर जो है गर्मियाँ काफ़ी आ चुकी हैं, और अब खाना बनाने में भी जो है काफ़ी गर्मी लगती है। तो इंदौर में जो है इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, पर ग्वालियर में अच्छी खासी यहाँ पर गर्मी पड़ती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो है गर्मियों में ग्वालियर ना आऊँ, पर इस बार मजबूरी है तो मुझे ग्वालियर में ही रहना पड़ रहा है। और ये है हमारे आज रात का डिनर। तो यहाँ पर ये है अंडा कढ़ी, साथ में ही चावल बनाए हैं, और ये है रोटियाँ। तो चावल जो है दोनों बच्चे अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं। तो शाम के टाइम में कोशिश करती हूँ कि ऐसी सब्जी बनाऊँ जिसके संग जो है राइस बन जाए। तो यहाँ पर राइस जो है मेरे घर में सभी को काफ़ी पसंद है, मुझे भी खुद बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है खिला रही हूँ मैं खाना। तो आप देख सकते हैं टिक्कू हमारे बैठकर यहाँ पर खा रहे हैं बड़े प्यार से खाना, और साथ में ही यहाँ पर चल रही है राम। आप जो देख सकते हैं टिक्कू हमारा काफ़ी शौक से जो है रामायण देखता है, पर निक्कू जो है इतनी इंटरेस्ट से नहीं देखता है, उसे जो है अपने कार्टून ही काफ़ी पसंद है। और साथ में ही मम्मी सामने सोफे पर बैठी हुई हैं, तो वो जो है पापा से बैठकर यहाँ पर कर रही हैं बातें। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो है निक्कू टिक्कू की एक टिकटॉक आईडी बना रखी है, तो जिस पर जो है आपको प्यारे प्यारे निक्कू टिक्कू के टिकटॉक मिल जाएंगे। और साथ में इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जो है जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।